दोस्तों अगर आपसे पूछूं कि भारत के सभी राज्य का नाम बताओ तो एक बार के लिए आप हक्का बक्का रह जाओगे। संभव है कि बता भी सकते हो, लेकिन इस छोटे से बच्चे से अगर मैं पूछूं कि भारत के सभी राज्य का नाम बेटा तुम बताओगे, तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहता है। बाबू भारत के सभी राज्य का नाम बता सकते हो तुम? हिमाचल ठीक है बाबू, एक बार जल्दी से धड़ल्ले से बता दो तो। प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। थैंक यू वेरी मच। आप इधर आ सकते हैं बाबू, आ जाइए। नेक्स्ट का अब मैं जा रहा हूँ वीडियो में। दोस्तों आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए, जब एक छोटा सा बालक भारत के सभी राज्यों का नाम बता सकता है तो आप क्यों नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको वो तरीके बताएंगे जो इस बच्चे को गाइड करने के लिए मैं यूज किया था, और ये कितना अच्छे तरीके से धड़ल्ले से भारत के सभी राज्य का नाम बता सकता है, तो आप क्यों नहीं बता सकते। बिल्कुल आप बताइएगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अंदाज में कहता हूँ, सबसे पहले तो आपने मेरी बात माननी है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। हम भारत के सभी राज्यों को 4 दिन में याद करेंगे। डे फर्स्ट में 7 राज्य, डे सेकंड में 7 राज्य, इसी तरीके से 4 दिन में 28 राज्यों को हम क्लियर करेंगे, और 5वां दिन में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश को हम याद कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं डे फर्स्ट। डे फर्स्ट में भारत के 7 राज्यों को हम कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से 7 राज्य हैं नक्शे समझने कोशिश करते हैं, और मैं जो आपको टिप्स दूंगा वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये 3 राज्यों को मैं अंग्रेजी में लिखा हूँ, इन तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। फिर ये दोनों जो हिंदी में मैं लिखा हूँ इसको एक साथ याद रखना है, और ये जो अंतिम का 2 है इसको एक साथ याद रखना है। यानी कि 3 2 2 के ऑर्डर में आपको याद कर लेना है। सबसे पहला जो राज्य है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा का नाम है पंजाब, और तीसरा का हरियाणा। तो याद रखिएगा, यहाँ से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। मेरे साथ आप दोहरा लीजिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। आपको अकेले में भी 4 से 5 बार इसे दोहराने की जरूरत है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो एक ग्रुप याद हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। दूसरे ग्रुप में चलते हैं, राजस्थान और गुजरात को एक साथ लेते हैं। ये बड़ा सा आप राज्य देख रहे हैं, इसका नाम है राजस्थान, और दूसरा ये जो गौ के जैसे निकला हुआ है इसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, एक साथ याद रखिएगा आप, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात। एक लाइन बन रहा है, रिद्म बन रहा है, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट 2 राज्य जो है इसका नाम है महाराष्ट्र और गोवा। ये जो बड़ा सा राज्य देख रहे हैं इसका नाम है महाराष्ट्र, और एक छोटा सा राज्य यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम है गोवा। तो महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, इसे आप जितना बार दोहराइएगा उतना बेनिफिट आपके लिए होगा। महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। पहला 3 कैसे याद रखिएगा? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। दूसरा कैसे? तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात। तीसरा कौन सा? तो महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा। अब इसी को धीरे धीरे करके आपके फ्लो में बन जाएगी, है ना? कौन कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा। इसी को आप फ्लुएंटली भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना होगा। कैसे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसी को और स्पीड बढ़ाइएगा धीरे धीरे करते करते। कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसी को और स्पीड में करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। क्लियर? तो इस तरीके से हम 4ों डे को कंप्लीट करने वाले हैं, 7-7 राज्य को कवर करने वाले, तो आप हमारे साथ बने रहे। अब चलते हैं डे 2 में। डे 2 की शुरुआत करते हैं, तरीका वही रहेगा, पहले 3 राज्य, फिर 2 और फिर 2। तो सबसे पहला 3 राज्य कौन सा है? तो हमने लास्ट वीडियो में गोवा तक कंप्लीट किया था पहला दिन, और दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये राज्य है बड़ा सा कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे चलिएगा केरल, और केरल के इधर चलिएगा तो ये साइड में तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु।
तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, इसी को फ्लो में लाने की कोशिश कीजिएगा, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु। कुछ वर्ड वाइल अगर पाना है जिंदगी में, कुछ वर्दी चाहिए तो उसके लिए समय तो देनी ही पड़ती है ना। कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु। इसके बाद ये हो गया कौन सा, तो आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश। ये देख रहे हैं ना एक माँ सरस्वती के हाथ में जो सितार रहता है उसके जैसा आपका दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ इसका नाम है तेलंगाना। क्या चीज, तेलंगाना। तो इन दोनों को एक साथ याद रखिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। एक बार फिर से इसको देखिए, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ये जो राज्य देख रहे हैं ये है छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़। और ये जो राज्य देख रहे हैं इसका नाम है उड़ीसा। क्या चीज, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ पानी वाले एरिया से नहीं लग रहा है लेकिन उड़ीसा लग रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। फ्लो में एक बार फिर से देखिएगा, धीरे धीरे करते हुए फ्लो बनाएंगे हम लोग। कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, पहला ग्रुप कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। फिर छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, इसी को फ्लो बनाते हैं। कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। इसी को और स्पीड आप जितना प्रयास कीजिएगा उतना बेहतर आप कर सकते हैं। कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ उड़ीसा, कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ उड़ीसा, कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ उड़ीसा। खत्म। इस तरीके से अब हम शुरुआत करेंगे डे थर्ड का। शुरुआत करते हैं डे थर्ड का। डे थर्ड में थोड़ा सा तरीका हम बदल रहे हैं, पहले दो राज्य का ग्रुप होगा, उसके बाद दो राज्य का, फिर से दो राज्य, और अंतिम में एक राज्य बचेगा, है ना, सात राज्य। सबसे पहला कौन सा, तो उड़ीसा के जस्ट इधर जाएंगे तो ये वाला मिलेगा आपको, डब्ल्यू बी, यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हिंदी में से कहते हैं पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल के ऊपर बढ़ते जाइए तो ये पूरा वेस्ट बंगाल है, बढ़ते बढ़ते ये वाला जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। तो इसको एक साथ याद रखिए, वेस्ट बंगाल सिक्किम, वेस्ट बंगाल सिक्किम, वेस्ट बंगाल सिक्किम, वेस्ट बंगाल सिक्किम। अब चलेंगे रिवर्स में गाड़ी लेंगे, तो ये है हमारा बिहार, है ना, और ये इसके नीचे में झारखंड, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड। फिर से देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल सिक्किम, वेस्ट बंगाल सिक्किम, वेस्ट बंगाल सिक्किम। अब इधर चलते हैं, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड। अब चलते हैं तीसरा ग्रुप, वो कौन सा है, ये हमारा उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा कौन सा, तो उत्तराखंड, कौन सा, उत्तराखंड, कौन सा, तो उत्तराखंड। ध्यान रखिए कौन सा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एक बार फिर से देखते हैं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सिक्किम, पश्चिम बंगाल सिक्किम, पश्चिम बंगाल सिक्किम, पश्चिम बंगाल सिक्किम, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और बीच में एक राज्य बचता है, क्योंकि ये मध्य में स्थित है, बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है, मध्य प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक, तो इसी को और थोड़ा फ्लो में आप कैसे बनाइएगा, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो फ्लो में आ जाएगा। ये कौन सा, तो पश्चिम बंगाल सिक्किम, पश्चिम बंगाल सिक्किम, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसके बाद अंतिम में मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी को स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल सिक्किम, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सिक्किम, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सिक्किम, बिहार झारखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी तक में हमने जितना भी राज्य किया है उसको एक साथ ले लेते हैं, एक साथ फ्लो में बोलने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। समाप्त। अब शुरुआत करते हैं डे फोर का, अंतिम ये सात राज्य बचा हुआ है, क्योंकि ये भारत के सबसे पूर्व में है तो इसे पूर्वी राज्य कहेंगे, इसकी एक अलग अपनी अलग दुनिया है ना, तो ये सात राज्य अलग है तो इसलिए इसे सात बहना के नाम से या फिर सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले वही तीन का ग्रुप, फिर दो का ग्रुप, फिर दो का ग्रुप। तो सबसे पहला तीन कौन सा है, तो सबसे पहले पूर्व से शुरुआत करते हैं, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया, ये जो गुलेल के जैसा देख रहे हैं, गुलेत के जैसा, इसका नाम है क्या चीज, तो असम। और ये वाला जो देख रहे हैं इसका नाम है मेघालय। क्या नाम है, मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय। अब फिर से इधर से शुरुआत करते हैं दो का ग्रुप, तो कौन सा आ जाएगा, ये चीज आ गया नागालैंड। क्या चीज, नागालैंड, ये जो छोटा सा राज्य है। इसके नीचे जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा कौन सा, मणिपुर। कौन सा, मणिपुर। तो कौन सा हो गया, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर। अब अंतिम में दो का ग्रुप बचा हुआ है, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है क्या चीज, तो मिजोरम। क्या चीज, मिजोरम। और ये जो देख रहे हैं इसका नाम है त्रिपुरा। क्या चीज नाम है, त्रिपुरा। ऐसे इसका नाम
नाम त्रिपुरा नहीं पड़ गया, तीन तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ, इसलिए नाम इसका पड़ गया त्रिपुरा। तो इसी को फ्लो बनाइएगा, अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, फिर दो का ग्रुप नागालैंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, फिर अंतिम दो का ग्रुप ये कौन सा आ जाएगा हमारा, तो मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, इसी को फ्लो में अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, कौन सा नागालैंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा, इसी को फ्लो में थोड़ा सा और बनाइएगा तो कैसे बन जाएगा ये, अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।